तो गाइस अभी हो चुकी है लॉस सैंटोस में सुबह और आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे चाय भी बन रही है। इस मशीन में यहाँ पे चाय बनती है, इस कप में मैं चाय पीने वाला हूँ, उसके बाद हम देखेंगे क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। बस मेरी जल्दी से चाय बन जाए, उसके बाद हम आराम से टीवी देख पाएंगे। ये चाय बनाना भी ना बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। एक सेकेंड यार, ये सुबह सुबह कौन आ गया? पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह परेशान करने। अरे कौन है भाई, सुबह सुबह क्यों आए हो? एक सेकेंड, ये कौन है? अरे फ्रैंकलिन, मुझे भूल गए क्या? मैं आयरन मैन। आयरन मैन, ये तेरे सूट को क्या हो गया? अरे ये मैंने नया सूट बनाया है, पुराने वाले सूट को अपग्रेड करके। अपग्रेड? मुझे तो लग रहा है तेरा डाउनग्रेड हो चुका है, तेरा सूट तो बहुत ही खराब लग रहा है। अच्छा चल, पता क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन, मुझे तुम्हारा मैजिक ड्राइंग बोर्ड चाहिए। क्या, मेरा ड्राइंग मैजिक बोर्ड? अरे सुबह सुबह मेरा ड्राइंग मैजिक बोर्ड क्यों चाहिए? अरे मुझे कुछ अपने सूट के लिए पार्ट्स चाहिए जो कि मुझे मिल नहीं रहे, इसलिए मैं उनको बनाऊंगा। क्या, सूट के लिए पार्ट्स चाहिए? तूने आज तक तो कभी मेरे से सूट के पार्ट्स नहीं मांगे, हमेशा तो तू खरीद के आता था। अरे खरीदने में तो पैसे लगते ना, ड्राइंग में पैसे नहीं लगते। आज क्या बात है, आयरन मैन पहली बार बोल रहा है उसको पैसे खर्च नहीं करने। वैसे तो उसके पास बहुत ही पैसे होते हैं, पर कोई बात नहीं, इसको अपना मैजिक बोर्ड दे देते हैं। आज आयरन मैन, मैं तुझे अपना मैजिक बोर्ड देता हूँ। ये आयरन मैन थोड़ी अजीब बातें कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज तक मैंने आयरन मैन को ऐसी बातें करते नहीं सुना, पर कोई बात नहीं, अपने क्या है। आयरन मैन, ये ना मेरा ड्राइंग मैजिक बोर्ड। अरे वाह, आखिरकार ये मुझे मिल गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या बोल रहे? मेरा मतलब है लॉस सैंटोस के विलन्स को नहीं छोड़ूंगा, इतना खतरनाक सूट बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू ये लेके चल जा। थैंक यू फ्रैंकलिन इस मैजिक बोर्ड के लिए, बाय बाय। आखिरकार मुझे ये मैजिक बोर्ड मिल ही गया। इस फ्रैंकलिन के बच्चे को मैंने पागल बना दिया आयरन मैन बनके। अब इस लॉस सैंटोस में पब्लू डॉन का राज होगा। मुझे तो अभी भी समझ नहीं रहा, आयरन मैन ने पैसे खर्च नहीं किए और ये मेरे से ड्राइंग मैजिक बोर्ड लेके चला गया। पर कोई बात नहीं, अपने क्या है, चलो फटाफट से न्यूज देखते, अपनी चाय भी बन चुकी होगी। चलो यार फटाफट से अपनी न्यूज चालू करते हैं, चाय पीते पीते न्यूज देखेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस में घूम रहा है एक नकली आयरन मैन। ये आयरन मैन बहुत खतरनाक है, ये असली नहीं नकली है, ये लोगों का सामान चुरा रहा है, पूरे लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सभी को लग रहा है ये आयरन मैन है, पर असली आयरन मैन तो इस प्लेनेट पर ही नहीं है। हमने असली आयरन मैन से बात करी है, वो इस प्लेनेट पर नहीं है, तो इस नकली आयरन मैन से दूर रहे, ये आपका सामान चुरा सकता है, सावधान रहे, सतर्क रहे। एक सेकंड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड नकली आयरन मैन को दे दिया। अभी मैंने न्यूज में देखा कि असली आयरन मैन तो इस अर्थ पर है ही नहीं, वो किसी दूसरे प्लेनेट पर गया हुआ है, तो ये जो भी आया था वो नकली आयरन मैन था। कहाँ गया, मुझे उसको पकड़ना पड़ेगा। रुक जा, ये तो निकल गया। अरे ये मैंने क्या कर दिया, एक नकली आयरन मैन को अपना मैजिक बोर्ड दे दिया। वो नकली आयरन मैन मैजिक बोर्ड का कैसे भी यूज कर सकता है? मुझे जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं सीधा एवेंजर्स हाउस जाने वाला हूँ ताकि मैं किसी से मदद ले सकूं। वो नकली आयरन मैन ने तो मेरे साथ स्कैम कर दिया, मुझे लग ही रहा था जब मैंने उसका सूट देखा ऐसा, तो मुझे कुछ अजीब लगा था, और वो तो नकली आयरन मैन निकला। जल्दी से मुझे एवेंजर्स हाउस पहुंचना पड़ेगा, वरना लॉस सैंटोस की हालत तो बहुत खराब होने वाली है। उस फ्रैंकलिन के बच्चे को मैंने पागल बना के आखिरकार ये मैजिक बोर्ड ले लिया। ये आयरन मैन वाला प्लान तो बहुत ही अच्छा काम कर गया, मैं पूरे के पूरे लॉस सैंटोस पे राज करूंगा, वो भी आयरन मैन की मदद से। थैंक यू आयरन मैन। मैं इस लॉस सैंटोस पर अकेला राज नहीं कर सकता, मुझे अपनी पूरी की पूरी आर्मी चाहिए जिनका मैं राजा बनूंगा, इसलिए मैं अपनी आर्मी बनाने वाला हूँ इस मैजिक बोर्ड पर। चलो फटाफट से बनाते अपनी पूरी की पूरी आर्मी। आखिरकार ये मैजिक बोर्ड मुझे यूज करने के लिए मिल गया, इससे मैं अपनी पूरी की पूरी आर्मी बनाने वाला हूँ और हम सब मिलके लॉस सैंटोस पे राज करेंगे। मेरी आर्मी होने वाली है आयरन मैन नकली आर्मी, वो आयरन मैन जैसी दिखेगी पर नकली आयरन मैन जैसी। चलो फटाफट से इसको पहले हाथ देते, यहाँ पर इसके हाथ देंगे हम, और यहाँ पर आयरन मैन का सूट टूटा हुआ है, हम इनको बनाने वाले ज़ॉम्बी आयरन मैन जैसा, ताकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगे और सारे के सारे लॉस सैंटोस के लोग इनको देख के डर जाए।
चलो फटाफट से बनाते हैं। मैंने दोनों हाथ तो बना दिए, अब बीच का शरीर बनाते हैं। इसकी जो चेस्ट है वो पूरी की पूरी टूटी हुई होने वाली है। मैं यहाँ पर इसको टूटा हुआ बनाऊंगा ताकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगे। खतरनाक खतरनाक ज़ॉम्बीज जो कि राज करेंगे लॉस सैंटोस पर। अब मैं इनके पैर बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आधे आधे पैर बनाएंगे। यहाँ पर इनको पैर दे दिए, अब इनकी पैरों की हड्डियाँ, इतनी पतली पतली हड्डियाँ यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ ताकि ये बहुत ही खतरनाक आयरन मैन ज़ॉम्बी लगे। और इनके पैर भी यहाँ पर मैंने बना दिए। सबसे पहले आयरन मैन का आर्क रिएक्टर हम इसको देंगे और यहाँ पर इनकी हड्डियाँ दिखेगी। चलो फटाफट से बाकी के आयरन मैन सूट को भी कंप्लीट करते हैं ताकि आयरन मैन का सूट बहुत ही खतरनाक लगे और मुझे इसका फेस भी बनाना है। चलो फटाफट से इसका मास्क बनाते हैं। सबसे पहले देंगे एक बहुत ही अच्छी आंख और एक देंगे खोखली आंख। एक आंख से ये देख सकता है और दूसरी आंख इसकी टूटी हुई है। अब इसके अंदर हम कलर करने वाले हैं। उससे पहले हम इसके एब्स देने वाले हैं। ये ले, ये ले, ये ले। अब हम इसमें कलर करेंगे और इसको बनाएंगे खतरनाक आयरन मैन। सबसे पहले इसके मास्क के अंदर कलर, फिर इसकी हड्डियों के अंदर कलर और इसकी पैर वाली हड्डी में भी कलर। सारी की सारी हड्डियों में हमने इसको कलर दे दिया है। अब लेंगे मेन लाल कलर जो कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर होने वाला है क्योंकि आयरन मैन का कलर होता है रेड। और यहाँ पर हमारा आयरन मैन कम्प्लीट हो चुका है। इसके एब्स के भी अंदर कलर दे देते हैं। एक काम करते हैं, पिंक कलर के एब्स दे दें इनको। और ये हमारा आयरन मैन कंप्लीट हो चुका है। बस इसका मुंह बनाते हैं ज़ॉम्बी वाला। ये देखो ज़ॉम्बी वाला मुंह, वो भी तीन तीन दांत के साथ। और मुझे इसकी पूरी आर्मी चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्मी इनटू 100। फटाफट से इनको रियल लाइफ में लाते हैं। मेरी पूरी पूरी आर्मी बिल्कुल रेडी है इस लॉस सैंटोस पे कब्जा करने के लिए। मेरे आयरन मैन रोबोट्स तैयार हो जाओ, हमें इस लॉस सैंटोस पर कब्जा करना है। जाओ पूरे लॉस सैंटोस में तबाही मचा दो, ये लॉस सैंटोस हमारा होके रहेगा। तो कैसर अभी अपनी गाड़ी भगाते भगाते हम आ चुके हैं एवेंजर्स हाउस, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा मदद की जरूरत है। मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया तो कोई तो एवेंजर चाहिए जो कि मेरी मदद कर पाए। स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन अमेरिका, कहाँ हो तुम? ओ मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। ओ क्रिसमस आया रे, क्रिसमस आया रे, क्रिसमस, क्रिसमस। स्पाइडरमैन, हल्क, मेरी बात सुनो। क्रिसमस आया रे, क्रिसमस आया रे। अरे हल्क मेरी बात सुन। क्रिसमस आया रे, क्रिसमस, 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 क्रिसमस। अरे हल्क के बच्चे मेरी बात सुन। अरे फ्रैंकलिन क्या हो गया, क्रिसमस आ चुका है, डांस करो। अबे तेरे क्रिसमस को छोड़ो, भी मेरी बात सुन। स्पाइडरमैन तू भी मेरी बात सुन। अरे फ्रैंकलिन क्या हो गया बताओ। तो स्पाइडरमैन हल्क मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, तुमने तो फेक आयरन मैन के बारे में सुना ही होगा। हाँ तो मेरी बात सुनो, आज सुबह वो फेक आयरन मैन मेरे घर पे आया था और मुझे लगा वो असली आयरन मैन है और उसने मेरा ड्राइंग मैजिक बोर्ड मांगा और मैंने उसको अपना ड्राइंग मैजिक बोर्ड दे दिया। फिर वो वहाँ से लेके गायब हो गया, वो मुझे मेल भी नहीं रहा। मुझे लगता है वो कुछ खतरनाक करने वाला है। तुमने ये क्या कर दिया, फेक आयरन मैन को ड्राइंग मैजिक बोर्ड दे दिया। अरे फ्रैंकलिन ये क्या कर दिया तूने? अरे मुझे पता है मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना लॉस सैंटोस को बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अभी हमें वो कहाँ पर मिलेगा? अरे मुझे पता था तुम्हारे पास तो ना आता, मैं खुद चला जाता उसके पास। स्पाइडरमैन हल्क प्लीज मेरी मदद करो, मेरा ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड मुझे वापस लाना है, प्लीज मेरी मदद करो। वो आयरन मैन सही में बहुत ही खतरनाक है। मेरे सामने कोई खतरनाक नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं जाऊंगा और वो मैजिक बोर्ड चेंज कर ले के आऊंगा। क्या क्या सही में? हाँ फ्रैंकलिन, तुम बस देखना कैसे मैजिक बोर्ड लेके आता हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा, मुझे बहुत डर लगता है। अरे स्पाइडरमैन हम दोनों दूर से उसको देखेंगे और हल्क उससे जाके मैजिक बोर्ड लेके आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर तो मैं भी चलूंगा। हाँ चलो, मैं उससे डरता नहीं हूँ। तो गाइस अभी हल्क और स्पाइडरमैन मेरी मदद करने के लिए मान चुके हैं। अभी हल्क स्पाइडरमैन में जाने वाले हैं और हल्क हमारा वापस से ड्राइंग मैजिक बोर्ड लाकर देने वाला है। चलो गाइस फटाफट चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा वो आयरन मैन है कहाँ पर। फ्रैंकलिन मैंने
उसकी लोकेशन पता कर लिए, चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो, बहुत ही मजा आने वाला है। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं उस फेक आयरन मैन के पास और हल्क उनसे बात करने गए हैं और इसने तो अपनी पूरी की पूरी आर्मी बना दी है। स्पाइडरमैन अब क्या होगा? तुम टेंशन मत लो, हमारा हल्क सबसे ताकतवर है। अच्छा देखते हैं। फेक आयरन मैन के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने नकली आयरन मैन बन के फ्रैंकलिन का मैजिक पॉट चुरा लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ओ हरे कद्दू, अगर तुझे लगता है तू अकेला मुझे और मेरी आर्मी को मार सकता है तो बहुत ही बड़े भ्रम में। मेरी पूरी आर्मी तैयार है इस लॉस सैंटोस को हड़पने के लिए। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू करेगा भी क्या हरे गेंडे? ये ले, इस हल्क को लगा था ये मुझसे लड़ पाएगा। इस पूरे लॉस सैंटोस में ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझसे लड़ सकता है। मेरी आर्मी वालों और आर्मी बनाते जाओ, मैं इस हल्क के बच्चे को बताता हूँ। अरे स्पाइडरमैन, वो हल्क को मार रहा है, जल्दी जा बचा उसको। अरे फ्रैंकलिन तू पागल हो गया क्या? मैं उससे कैसे लड़ाई करूँगा? मैंने पहले ही बोला था मुझे नहीं आना यहाँ पर। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरा मैजिक बोर्ड सामने। अरे जाके मैजिक बोर्ड तो ले आ। अरे तुम देख नहीं सकते क्या? उसकी पूरी की पूरी आर्मी वहाँ पे खड़ी है, मैं नहीं जाऊँगा। अबे तो तू फिर किस काम का है, निकल यहाँ से। मार दिया रे। स्पाइडरमैन तू तो काम नहीं आया, पर तेरा सूट जरूर काम आएगा, जल्दी जल्दी इसका सूट पहन लेते हैं। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो मैंने स्पाइडरमैन का यहाँ पर सूट पहन लिया है और खुद का मैजिक बोर्ड मुझे खुद ही लेने जाना पड़ेगा। ये लो सभी को मारूंगा, ये लो सबको मार दूंगा, निकलो मेरे स्पाइडी ड्रोन, जाओ और इन सबको मार दो। या पिशु इन सभी को मार दूंगा, मुझे मेरा मैजिक बोर्ड कैसे भी करके चाहिए। चलो काइजर आखिरकार मुझे मेरा मैजिक बोर्ड मिल जाएगा। हे स्पाइडरमैन के बच्चे, क्या कर रहे हो ये तुम? अरे ये फेक आयरन मैन यहाँ पे कैसे आ गया? फेक आयरन मैन, तूने मुझे पागल बनाया था ना और मेरा मैजिक बोर्ड लेके गया। अरे फ्रैंकलिन ये तुम हो क्या? हाँ ये मैं ही हूँ और मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, ये ले। तो काइजर अभी आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया है। मुझे बाहर निकाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, फटाफट से मैजिक बोर्ड लेके निकलते हैं यहाँ से। तो काइजर अभी अपना मैजिक बोर्ड यहाँ पे मिल चुका है और ये फेक आयरन मैन अभी भी यहाँ पे चिपका हुआ है। उससे पहले कि जाला तोड़ के बाहर निकल ले, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। चलो काइजर फटाफट से यहाँ से चलते हैं। और आखिरकार ये मैजिक बोर्ड हमें मिल चुका है, अब वो अपनी आर्मी को और बड़ा नहीं कर सकता। पर काइजर वो अभी भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं इस मैजिक बोर्ड पर कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ जिससे मैं उस फेक आयरन मैन को हरा सकूं। उसके लिए मुझे इधर से दूर जाना पड़ेगा, वरना या कि मुझे पकड़ लेगा, तो मैं किसी दूर आइलैंड पर जाने वाला हूँ। तो काइजर आखिरकार मैं इस मैजिक बोर्ड को कोई सेफ जगह पर लेके आ चुका हूँ, लॉस सैंटोस से बहुत ही दूर, ताकि मैं कुछ ऐसा बना पाऊं और उस फेक आयरन मैन को हरा सकूं। और अभी मैंने ये स्पाइडरमैन का सूट पहन के रखा क्योंकि वो एकदम से आ गया था, ऐसे उछल उछल के मार दूंगा उसको। पर आप टेंशन मत लो, वो यहाँ पर आने नहीं वाला, वो बहुत ही ज्यादा दूर है मेरे से। तो फटाफट से शुरू करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे वो फेक आयरनमैन को अपनी नानी याद आ जाए। तो काइजर फाइनली मुझे अपना मैजिक बोर्ड वापस मिल चुका है और मुझे इस लॉस सैंटोस को बचाना है, तो मुझे उस नकली आयरन मैन को हराना पड़ेगा। और उसके लिए नकली आयरन मैन को हराने के लिए मैं लाने वाला हूँ असली से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला आयरन मैन। बस आप देखते रहो। सबसे पहले इसका मुंह बनाएंगे, मुंह इतना बड़ा भी नहीं बनाना, यहाँ पर इसका मुंह हमने बना दिया, यहाँ से इसकी पूरी की पूरी बॉडी बनने वाली है। चलो फटाफट से ले जाते। सबसे पहले चाहिए हमें खतरनाक मसल्स, तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4 डोले हमने इसको यहाँ पे दे दिए और यहाँ पर इसका हाथ आ चुका है और यहाँ पर इसका हाथ बन चुका है पहला हाथ। अब बारी दूसरे हाथ की, तो इसके यहाँ पे भी होंगे बहुत खतरनाक डोले, यहाँ पर अंगुलियां और बहुत खतरनाक डोले। तो ये तो हमारी बीच की बॉडी बनने वाली, सबसे पहले इसको कम्प्लीट करते हैं। जो मेन चीज बनने वाली है वो इस बॉडी के बाद बनने वाली है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जल्दी जल्दी इसको कम्प्लीट कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक गोल्डन आयरन मैन बनाने की, फटाफट से बताओ कैसा लगेगा एक गोल्डन आयरन मैन, कमेंट करके बता दो। जब तक मैं इसके पैर बना देता हूँ, तो इसके यहाँ पर अपन पैर बना देते हैं और इस साइड भी अपन एक और पैर बना देते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो काइजर यहाँ की बॉडी तो हमारी बन गई और हमें चाहिए आर्क रिएक्टर जो कि मेन आयरन मैन की चीज है। और अब हम इस पूरे के पूरे सूट को हर जगह से कनेक्ट करने वाले ताकि हम कलर करके इसको बहुत ही अच्छा बना पाए, उसके बाद इसकी मेन चीज बनने वाली है। चलो चलो फटाफट से सब
सबका सब कनेक्ट कर देते, जितनी चीजें सब कनेक्ट कर दो। तो कैसर आपको क्या लगता है, जो ये मैं आयरन मैन बना रहा हूँ वो क्या फेक आयरन मैन को हरा सकता है? बड़ा फट से कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल होने वाला है और इसके यहाँ पर हमने एब्स बना दिए। चलो फटाफट से पूरे के पूरे आयरन मैन में पेंटिंग कर देते, ये बहुत ही खतरनाक बनने वाला है, दुनिया का सबसे खतरनाक आयरन मैन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। चलो फटाफट से ऐसे यहाँ पर इसको, और ये हो गया कंप्लीट। बस का मुंह बनाते एकदम बढ़िया बढ़िया आंखें हम इसको देने वाले हैं। ये बन गई इसकी एक आंख और यहाँ पर बन गई दूसरी आंख, और इसका मुंह हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब इसको फटाफट से कलर करना शुरू कर दे। नहीं, उससे पहले सबसे मेन चीज मैं इसको देने वाला हूँ, खतरनाक खतरनाक विंग्स। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये खतरनाक खतरनाक विंग्स इस आयरन मैन को मिलने वाले हैं, ताकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। इसके विंग्स की शक्तियों से ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है। एक विंग इस साइड और एक विंग इस साइड हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक और विंग डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक और विंग रेडी हो चुका है। तो दोनों विंग्स तो हमने रेडी कर दिए, इनमें भी थोड़े डिजाइन दे ताकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगे। और फटाफट से इसमें कलर करना शुरू करते हैं, बस इसको पैरों को करना बाकी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे। चलो फटाफट से कलर करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि मैं गोल्डन कलर करने वाला हूँ, तो इसलिए हम करने वाले गोल्डन 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 और यहाँ पर भी गोल्डन, जितनी जगह मिलेगी वहां पर अपन करेंगे गोल्डन 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 गोल्डन, और यहाँ पर मुंह पर भी थोड़ा सा गोल्डन। तो कैसे मुझे लगता है गोल्डन इतना बहुत होगा। अब हम लेंगे ब्लू, इसकी आंखों को हमने ब्लू कर दिया है। अब हमें चाहिए गोल्डन से थोड़ा डार्क जो कि होने वाला है ऑरेंज, और इधर करेंगे ऑरेंज ऑरेंज, और इसके पैरों में भी थोड़ा ऑरेंज और यहाँ पर भी, और बाकी सब जगह हम करने वाले हैं ग्रे कलर। तो फटाफट से करते हैं ग्रे 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 ग्रे। और गाइस ये कलर पूरा का पूरा है कंप्लीट हो चुका है। अब बारी इसके पंखों में कलर करने की। मैं सोच रहा हूँ इसमें कलर करने के बजाय हम स्प्रे करें, ऐसे ऐसे मैं स्प्रे करने वाला हूँ इसके पूरे के पूरे पंखों में गोल्डन स्प्रे। सारे के सारे स्प्रे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, जितने स्प्रे मिलेंगे सारे के सारे स्प्रे हम कर देंगे, ताकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगे। ये और लो और लो। और गाइस मुझे लगता है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बस अब हम इसकी पावर बढ़ाने वाले हैं। पावर कैसे बढ़ाएंगे अभी बताता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं पावर इनटू 1000, नहीं 10,000, नहीं 1,000,000, और इसकी स्ट्रेंथ भी हम बढ़ाएंगे 1,000,000, और इसका नाम रखने वाले हैं कांचा। तो इसका नाम होगा आयरन कांचा, और ये होने वाला है बहुत ही खतरनाक, जो कि हराएगा नकली आयरन मैन को। और ये बना है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। और गाइस जैसा कि मैंने सोचा था, सेम टू सेम वही सूट यहाँ पर बन चुका है, पूरा का पूरा गोल्ड, और इसके पंख देख सकते हो कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और हमारा आयरन मैन बिल्कुल रेडी है उस फेक आयरन मैन से लड़ने के लिए। जो अपना असली आयरन मैन है वो तो इस प्लेनेट पर है नहीं, नकली आयरन मैन एक घूम रहा है, और एक और पंखों वाला आयरन मैन लॉस सेंटोस में आ चुका है उस नकली आयरन मैन को मिटाने के लिए। चलो फटाफट से चलते हैं और उसको खत्म करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि मैं उस नकली आयरन मैन को हरा दूंगा, वरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेक आयरन मैन मैं आ चुका हूँ। तूने पहले नकली आयरन मैन बन के मुझे पागल बनाया, फिर तूने हल्क को ही मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, कितनी मेहनत करोगे मुझे रोकने के लिए, ये बात तुम मान लो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और ये कौन से पक्षी के पंख तुम लगा के आ गए हो? ये कोई पक्षी के पंख नहीं है, ये पंख तुझे मारने वाले हैं। मेरी आर्मी देख रहे हो पीछे? ये आर्मी आर्मी बहुत करता है, सबसे पहले इसकी आर्मी को खत्म करते हैं, ये लो सबको खत्म कर दूंगा। इसकी आर्मी से यहाँ पर कोई भी नहीं बचने वाला, निकलो यहाँ से सबके साथ। और ये आखिरी बचा है, इसको भी मारते हैं। ये ले, तूने बोला था तेरी आर्मी देख रहे, अब तेरी आर्मी भी नहीं बची, अब क्या करेगा तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले तूने मेरी आर्मी को खत्म किया, निकल यहाँ से। अरे कैसा लगता है, इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, पर इसको पता नहीं है मैं कितना खतरनाक हूँ। ये ले
ये तेरी छोटी छोटी मोटी लेजर से मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, पर फिलहाल तू बहुत ही बुरा पिट रहा है। ये ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पंख वाले आयरन मैन, निकल यहाँ से। अरे कैसर, ये तो पागल हो गए, यहाँ से निकलो। मैं जितना ज्यादा दूर से इसको मारूंगा उतना ज्यादा अच्छा। मैं अपनी लेजर से इसको दूर दूर से मार सकता हूँ, और इसको मुझे मारने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। तो मुझे बस ये ट्राई करना है कि ये मेरे पास ना आए। आजा आजा, पकड़ के दिखा, इसको अपनी स्पेशल पावर्स दिखानी पड़ेगी। ये ले, अरे बका मार दिया मेरे को। तेरी स्पेशल पावर्स मुझे कुछ नहीं कर सकती, ये निकल यहाँ से। अबे तेरी ऐसी की तैसी, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। निकल यहाँ से। ये ले। तो कैसर, लगता है इसका चैप्टर खत्म करने का टाइम आ चुका है। इसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर लिया, पूरे लॉस सेंटोस वालों को बहुत परेशान कर लिया, पर अब ये बिल्कुल नहीं बचने वाला। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे मारने के बाद पूरे लॉस सेंटोस में राज करने वाला हूँ। पूरे लॉस सेंटोस में राज करेगा? एक सेकंड रुक जाओ, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अपनी सारी की सारी शक्तियां मैं ऐसे दिखाने वाला हूँ। ये ना, निकल यहाँ से, निकल। इसकी तो ऐसी की तैसी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इसको उड़ते उड़ते हमने मार दिया है। तो कैसर, इसकी स्टोरी हो चुकी है यहाँ पर खत्म। हमने इसको पूरा फ्राई कर दिया है, और यहाँ पर इसका पूरा बेजा भी फ्राई कर दिया है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम थोड़ी सी आग लगाएंगे। यहाँ पर लगा देते हैं आग। अब इसके ऊपर हम बहुत सारी मिसाइल्स गिराएंगे। और कैसर, इसी के साथ फेक आयरन मैन का चैप्टर होता है क्लोज। अरे फ्रैंकलिन, ये लॉस सेंटोस में क्या चल रहा है? ये फेक आयरन मैन कहाँ से आ गया? अरे ये कौन है? ये कौन सा आयरन मैन है? अरे फ्रैंकलिन, मैं असली आयरन मैन हूँ। क्या तुम दूसरे प्लेनेट से वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ये ले। तो कैसा, भी पता नहीं यहाँ पर कौन सा एक और आयरन मैन आ चुका है। मैंने अभी तो इसको खत्म कर दिया है। मुझे नहीं लगता ये असली आयरन मैन है, इसलिए मैंने इसको भी खत्म कर दिया। अब लॉस सेंटोस का असली आयरन मैन सिर्फ एक ही है, वो हूँ मैं। तो कैसर, आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसकी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कैसर, इंस्टा और डिस्कॉर्ड सेशन में वापस जाके ज्वाइन फॉलो करना। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।